हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कार्य पत्रिका धारा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 6 की है। आज की तिथि क्या है बच्चों? 8/9/2021। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। इस कार्य पत्रिका को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि जो है लास्ट वीक के विनर की जो वीडियो थी अनबॉक्सिंग गिफ्ट की, वो हमने पब्लिश की हुई है। आप चाहो तो जाके देख सकते हो चैनल पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके देख लेना। और बच्चों आपको एक बात और बता दूं, इस वीक भी क्या है, विनर अनाउंस किया जाएगा संडे को। कॉन्टेस्ट अभी भी ऑन है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फुल वीडियो वॉच करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया बच्चों। इसमें देखो बोला गया है उपविषय ग्लोब और अक्षांश। पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, वह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी चपटी है और मध्य से थोड़ी क्या है, उभरी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक क्या है, प्रतिरूप है। जैसा कि आपको क्या है बच्चों, डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, यही क्या है, ग्लोब है। ये क्या होती है बच्चों, उत्तरी ध्रुव होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ये क्या होता है, विषुववृत्त रेखा होती है। ये क्या होती है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। आप देख सकते हैं कि एक सुई ग्लोब को झुकी हुई है, ठीक है। एक सुई ग्लोब में क्या है, झुकी हुई अवस्था को स्थिति है और इसे अक्षांश कहते हैं। यानी कि ये क्या है बच्चों, ये जो भाग है जहाँ पर सुइयाँ क्या है ग्लोब में लगी हुई हैं, उसे अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। और ग्लोब पर वह दो बिंदु जिन पर से होकर सुई गुजरती है, वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से क्या होती है, सुई जो है गुजरती है। ग्लोब को सुई के चारों ओर क्या है, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाता है। यानी ये ग्लोब क्या है, इधर से इधर की ओर क्या करता है बच्चों, घूमता है। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद आप देखिए, पृथ्वी का वास्तविक में सुई नहीं होती। जो पृथ्वी होती है उसमें वास्तविक में ये हिस्सा जो सुई वाला है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये सुई लगी नहीं होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे विषुववृत्त, ठीक है, रेखा, वृत्त या रेखा कहा जाता है। तो बच्चों ये जो रेखा है आपको दिख रही होगी, इसे विषुववृत्त रेखा कहते हैं। ये ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में इसको बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि ये वाला जो बच्चों भाग है, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला जो भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या दिया गया। आगे बोला गया है, विषुववृत्त वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। जो विषुववृत्त है वो शून्य अंश को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि ये शून्य पर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, विषुववृत्त वृत्त सभी ध्रुवों पर स्थिति सभी समांतर अवृतों को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा या अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। विषुववृत्त वृत्त से दोनों ध्रुवों के कोणीय कितनी है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से जो कोण बनता है ध्रुवों पर, वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और विषुववृत्त के दोनों ही ध्रुवों पर कोण 90 है। और क्या है, 90 समांतर वृत्त होती हैं। प्रत्येक समांतर वृत्त 1 डिग्री की होती हैं और दूरी भी क्या होती है, 1 डिग्री की होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। यानी कि ऊपर की जो है यहाँ से, ये उत्तरी अक्षांश की कहलाएंगे, और नीचे वाली क्या कहलाती हैं बच्चों, जो दक्षिण में स्थित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आगे देखो बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए, इनको चलिए हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब क्या है बच्चों, इसका उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर पूरा इतना जो है सिर्फ आंसर लिख दोगे। ये क्या है, आंसर नंबर 1 है। आगे देखो बच्चों क्या बोला गया, आगे बोला गया अगला प्रश्न कि विषुववृत्त रेखा को परिभाषित कीजिए। तो यह विषुववृत्त को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ से लिखोगे बच्चों से, ठीक है, कि क्या है, एक अन्य काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से पूरा लेकर बच्चों यहाँ तक आप क्या कर देना है, इसे लिख देना है। ये उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया। आगे दिया गया है कि ग्लोब में कुल कितनी अक्षांश होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
180, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेना उत्तर नंबर 3 के रूप में। आगे आपकी कार्य पत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फुल वीडियो देखने की कोशिश करो और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।